हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे संविधान क्यों और कैसे। दोस्तों, आपको बता दें कि मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो कल बना लिए थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण से वो वीडियो क्या हुआ कि डिलीट हो गया। किसी कारणवश से डिलीट वो पूरे वीडियो हो गया। इस कारण मैंने उसका जो पूरे जो वीडियो का लेक्चर था वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सका, लेकिन उसका कुछ है जो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था संविधान की ओर कैसे, वो वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो आप लोग सबसे पहले उसे देखेंगे, क्योंकि वो कम से करीब करीब 5 से 6 मिनट का वीडियो है। उसमें मैंने संविधान का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाया कि संविधान इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देख रहे थे उस वीडियो में बताया है कि संविधान हमें तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। ठीक है, संविधान है जो सबसे पहले ये क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है। यानी तालमेल मिलाने का मतलब है कि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोग विभिन्न जातिवाद का जो फैलाव है उस फैलाव को दूर करके धर्मनिरपेक्षता को अपना कर वो सभी को एकत्रित करने की कोशिश करती है। कौन? संविधान। और साथ ही ये भरोसा दिलाता है, ये कहता है कि आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, हम जो भी नियम बनाएंगे आपके लिए होगा, यानी आपके फायदेमंद के लिए होगा, जनता को फायदेमंद के लिए होगा। इसीलिए सभी जनता से संविधान आग्रह करता कि मेरे ऊपर भरोसा करिए, भरोसा कीजिए, मैं आपके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। ठीक है, ये बोलता है संविधान। तो संविधान का सबसे पहला जो कर्तव्य है वो तालमेल बढ़ाना और जनता को भरोसा दिलाना। जैसे इस बात को और हम लोग समझते हैं विस्तार में, जैसे मान लिए कि एक ये क्या है, एक समूह है। ठीक है, एक समूह है और इसमें अनेक सदस्य रहते हैं। मान लीजिए कि आपको माइंड में एक कल्पना करना है कि मान लीजिए कि आप भी इसी समूह का एक सदस्य हैं, आप भी एक इसी समूह का एक क्या है, सदस्य हैं। अब आप बताइए, यहाँ पे अनेकों लोग रहते हैं, समूह में अनेकों लोग रहते हैं, इनकी अनेकों अब क्या बोल सकते हैं, अनेक प्रकार की धार्मिक निष्ठाएं हैं, सभी लोगों का अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, सभी लोगों का जो क्वालिफिकेशन है वो भी अलग है। कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, तो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो कुछ निरक्षर भी है। और इतने ही नहीं, इनका जो व्यावसायिक जीवन है वो भी अलग है, यानी कोई जॉब करता है तो कोई मजदूरी करता है, यानी अनेक प्रकार का। ठीक है, व्यवसाय भी ये लोग अपना अलग अलग करता है। और साथ ही साथ किताब से लेकर सिनेमा तक इनकी पसंद अलग अलग है। ठीक है, इन सारे समूह को। अब ऐसे में इस समूह में कुछ तो विवाद उत्पन्न होगा, और वो विवाद उत्पन्न होगा जैसे कि किसे स्कूल भेजना चाहिए, गरीब के बच्चों को भेजना चाहिए कि अमीर के बच्चों को भेजना चाहिए, या फिर सभी को भेजना चाहिए। और इसका निर्णय कौन लेगा स्कूल भेजने का, माता पिता या फिर कोई और, या फिर समूह का एक ही लोग बोलेगा जो सारे बात फॉलो करेगा हमारे समाज का, ऐसा बात होता ना। तो यहाँ पे बहुत विवाद उत्पन्न हो रहा था हर चीज़ों में। ये व्यक्ति बोल रहा है, मान लिया कि ये कोई व्यक्ति है ए नाम का, ए बोल रहा है कि देखो हम जो नियम बनाएंगे वो तुम सभी को मानना होगा। आप सभी लोग कह रहा कि तू हो क्या रहा, तू भी तो हमारे समूह का ही एक सदस्य है, तो हम तुम्हारा बनाया हुआ नियम को कैसे माने, क्यों मानेंगे, तुम्हारा नियम को हम नहीं मानेंगे। ए को नेग्लेक्ट कर दिया। अब बी कहता है, ये इसको मान लिया बी नाम है, बी कहता हम रूल बनाए, अच्छा मेरा बात को मानो, मानना पड़ेगा। अब सारे लोग बोल रहा कि तुम्हारा भी क्यों माने। उसी तरीके से किसी भी सदस्यों का बात को कोई फॉलो नहीं कर रहा था, और इसी के कारण हमारे ये जो समूह था उसमें बहुत भारी विवाद उत्पन्न हो रहा था। तभी जाकर इनमें से कुछ शिक्षित लोग थे, वो आपस में एक समूह अलग बनाए, 8-10 लोग शिक्षित मिलकर आपस में एक समूह बनाए और बोले कि क्यों ना ये जो समाज में जो ये जो विवाद उत्पन्न हो रही है, जो लड़ाई झगड़े हो रहा है, उसको हम क्यों ना कुछ समझदारी से खत्म करें और उसके लिए कुछ ऐसा रूल बनाए जो सदस्य के सभी लोग माने और उससे खुश रहें। माने ही नहीं सिर्फ, बल्कि उससे खुश रहें।
और जो लोग नहीं फॉलो करेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई भी करेंगे। अगर हम नहीं फॉलो कर, बनाने वाला खुद बोल रहे हैं कि अगर हम बनाने वाले हैं संविधान को, अगर हम नहीं फॉलो करते हैं तो मुझे सजा लोग देगा न्यायालय, उसके लिए न्यायालय, सजा देने के लिए न्यायालय बनाया गया, और अगर अन्य लोग नहीं करेगा तो उसको भी न्यायालय सजा देगा। तब जाकर ये 8-10 लोगों ने मिलकर हमारे समाज के विवादों को निपटारा करने के लिए एक रूल बनाना शुरू किया। पहले एक रूल बनाया जैसे कि कौन से बच्चों को कॉलेज भेजना चाहिए, स्कूल भेजना चाहिए, गरीब के अमीर को, यह निर्णय किसको लेना। एक मान लिया कि ये एक रूल बन गया, एक रूल लिखा, दो रूल, तीन रूल, चार रूल, पाँच रूल, ऐसा ही करते करते एक पेज, दो पेज, तीन पेज, ऐसा ही करते करते बहुत सारा पेज हो गया। तो जब हम लोग पेजों को एक संग्रह करके उसमें स्टेपलर करते हैं तो एक बुक बन जाता। उसी तरीके से संविधान एक एक नियमों को मिलाकर संविधान का बहुत सारा पेज बन गया, बहुत सारा पेज में लिखा गया संविधान, यानी उसका जो नियम था, रूल कानून था, उसी रूल कानून के जो बुक था, यानी जो लिखित दस्तावेज था, उसी को तो संविधान कहते हैं हम लोग। तो अब बात में आप लोगों को समझ में आ गया कि संविधान क्या होता है और ये संविधान हमें क्यों जरूरत पड़ा। हमारा एक टॉपिक था कि संविधान हमें क्यों जरूरत है। तो हमारे समाज में उत्पन्न होने वाले जो विवाद था उसको निपटारा करने के लिए हमें संविधान की सबसे बड़ी सख्त जरूरत है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को जानना बेहद जरूरी था। ठीक है, चलिए अब कुछ आगे के पॉइंटों को देखते हैं। जैसे समाज क्या करता है कि कुछ बुनियादी नियमों को समाज, संविधान क्या करता है कि कुछ बुनियादी नियमों को समाज के बीच ऐसा प्रस्तुत करता है जिससे समाज में एक न्यूनतम समन्वय बना रह सके, और क्या उसको कह सकते हैं, न्यूनतम समन्वय बना रह सके और लोगों को संविधान के ऊपर विश्वास बना रहे। उसे डर रहना चाहिए कि अगर हम संविधान नहीं फॉलो करेंगे तो मुझे उसका सजा भुगतना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि अगर किसी को ये डर ही नहीं होता कि हम अगर किसी कानून को तोड़ रहे हैं, किसी को मर्डर कर रहे हैं या फिर किसी को अपहरण कर रहे हैं, किसी को लूट रहे हैं, तो ये करने से अगर उसको डर नहीं होता कि हमें लोग, कुछ दूसरा लोग मेरे ऊपर मुझे पीटेगा या फिर फांसी देगा या फिर जेल देगा, अगर डर नहीं रहता तो हमारे देश में और भी ज़्यादा ये करप्शन की दुनिया रहता, भ्रष्टाचार फैल जाता। किसी को डर ही नहीं रहता, जिसको जो मन होता वो करता अपना, किसी का मर्डर कर दिया तो किसी का घर लूट लिया, किसी का दुकान लूट लिया, यही होता। लेकिन संविधान इसीलिए बनाया गया ताकि सारे लोग, देश का सारे लोग, जो संविधान बनाया वो भी, ऐसा नहीं है कि संविधान जो बनाया उसके लिए ये रूल फॉलो नहीं होगा। अगर संविधान बनाने भी वाले भी संविधान को अगर तोड़ता है तो उसको तो और ज़्यादा, क्योंकि आप संविधान बनाएं और आप ही इस रूल को तोड़ रहे हैं तो बहुत गलत बात है। तो न्यायालय उसके ऊपर एक अहम भूमिका निभाती है उसको सजा दिलाने में। ठीक है, तो ये हो गया कि ये जो संविधान है हमें तालमेल बढ़ाता और भरोसा दिलाता। तो ये जो हम लोग ओल झोल कर रहे थे ये किस लिए कर रहे थे, तो ये कर रहे थे हम लोग कि संविधान का पहला काम क्या है। तो संविधान का पहला काम ये है कि समाज में कुछ बुनियादी नियमों को इस प्रकार प्रस्तुत करें जिससे कि समाज के सभी लोगों में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे और संविधान के ऊपर समाज के सभी लोगों का विश्वास बना रहे। ये है संविधान का सबसे पहला काम। ठीक है, संविधान का सबसे पहला काम ये था। फिर हम लोग देखेंगे संविधान का दूसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है, चौथा काम क्या है, इन सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा संविधान तो बन गया, ये भी हमने जान लिया कि संविधान हमें, हमारे देश में संविधान की क्या ज़रूरत पड़ा और संविधान का पहला काम क्या है, ये सारे टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान का जो दूसरा काम है वो क्या है और उसके अंतर्गत निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं, यानी संविधान में कोई भी निर्णय कौन लेगा, इसका निर्माण शक्ति, सरकार का निर्माण कौन करेगा और उसकी शक्ति किसके पास होगा। ठीक है, संविधान को फॉलो कराने की शक्ति किसके पास होगा, ये सारे बातों को जानते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे भारत में क्या होता है कि हमारे भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है जिसको हम लोग संसद कहते हैं, यानी पार्लियामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, संसद कहते हैं।
आपको पता संसद का तीन अंग होता है, कौन कौन अंग होता है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कार्यपालिका, जिसके ऊपर हमारा टॉपिक बन चुका है अन्य फैकल्टी के द्वारा, कार्यपालिका, विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। ये संसद का तीन प्रमुख अंग होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है कि कोई भी रूल बनाने का काम जिम्मेवारी विधायिका, विधायिका यानी विधेयक पास करना, यानी कि कानून बनाने का जिम्मेवारी है विधायिका का। अब विधायिका ने तो कानून बना दिया, अब क्या विधायिका ही उसे फॉलो एक ही आदमी सारा काम करेगा? बिल्कुल नहीं। विधायिका का काम सिर्फ ये है, संविधान ने ये अधिकार दिया विधायिका को कि आपको सिर्फ कानून बनाना, अब हम किससे फॉलो करवाएंगे ये आपका जिम्मेवारी नहीं है। तो संविधान ने सोचा कि अब तो विधायिका कानून बना दिया, अब इसे कानून को हम लोगों से फॉलो किसके द्वारा कराएं, लोगों को फॉलो किसके द्वारा करवाएं। अब कहता है संविधान बोला कि चलो ये काम देते हम कार्यपालिका को, तो कार्यपालिका का काम है संविधान के रोल को फॉलो करवाना। अब यहाँ पे बात आया ने ये क्या बोला, संविधान बोला कि विधायिका ने कानून बना दिया, कार्यपालिका उसको लागू करवाया। अब क्या सारे लोग उसका लागू, संविधान के सारे रूल को लागू कर लेगा? कुछ ऐसे भी लोग आइडियल होगा, बोलेगा नहीं मुझे संविधान से कोई डर नहीं है, तुम कुछ भी करो हम संविधान को नहीं मानेंगे। तो ऐसे जो लोग अगर संविधान को उल्लंघन करता है, रूल को उल्लंघन करता है या फिर उसको मानने से इनकार करता है, तो उसके लिए कुछ तो कार्रवाई किया जाएगा। अगर कार्रवाई इसके ऊपर नहीं किया जाएगा तो सारे लोग, आज कोई एक लोग इसका उल्लंघन कर रहा, कल हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे करते करते पूरे देश के लोग करने लगे, तब तो फिर से संविधान तो रद्द ही हो गया। तो इसीलिए एक सख्त रूल बनाया कि विधायिका है जो कानून बनाएगा, कार्यपालिका उसको फॉलो करवाएगा। लेकिन अगर फॉलो करने से अगर कोई कार्यपालिका द्वारा जो शक्ति फॉलो करवाया जाता उसको अगर कोई फॉलो करने से कोई व्यक्ति इनकार करता है, तो न्यायपालिका को इसने अधिकार दिया संविधान कि तुम्हारा काम है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे संविधान का किसी भी रूल को उल्लंघन करने की जरूरत भी करती है तो उसके ऊपर तुम्हें कड़ी से कड़ी क्या कार्रवाई करना, कड़ी से कड़ी सजा उसे देना, ताकि वो उसे देखकर जब एक व्यक्ति को सजा दे दिया जाएगा तो हमारे देश के अन्य व्यक्ति को ऐसा जुर्म करने का कभी सोच में भी नहीं आएगा कि हम ऐसा जुर्म करें, क्योंकि उसको डर है कि हमें न्यायपालिका द्वारा मेरे ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो था ये विधायक, ये संसद का तीन अंग। तो हम बता रहे थे कि हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार किसको, संसद को। अब बात यहाँ पे आया कि संसद अपने मन से कानून बनाने लगा, संसद को किसने बोला, तो संसद को बोला संविधान ने। ठीक है, संसद को बोला किसने, संविधान ने बोला। संसद को ये अधिकार दिया गया है कि हमारे देश का कोई भी कानून संसद ही बनाएगा। लेकिन क्या ये संसद खुद से अपना से अपनी मर्जी से कानून बनाना शुरू कर दिया? नहीं, इसे संविधान ने बोला कि तुझे रूल बनाना। ठीक है, अब ये कैसा रूल बनाएगा, किस तरीके से क्या कहेगा कि यदि संसद को कानून का बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होनी चाहिए। संसद को तो अधिकार दे दिया गया कि कानून बनाना है, लेकिन अब संसद के ऊपर का भी कोई संस्था होना चाहिए। अरे ये विधायिका है का काम क्या है, विधायिका संसद का अंग है, ये कानून बनाने का काम करती है, तो इसको कानून बनाने का अधिकार देने वाला जो संस्था है वो क्या है, तो वो संविधान है। यानी इसको अधिकार किसने दिया, संविधान ने इसको अधिकार दिया। अब कहता है संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान क्या, सरकार बनाती है। अब जब सरकार बनेगी तभी तो संसद बनेगा, क्योंकि संसद में सरकारों की तो ही बैठक चलती है। संसद में किसकी बैठक, सरकारी के, विभिन्न प्रकार के संसद, विभिन्न प्रकार के सरकार है जो पार्लियामेंट में अपनी बैठक लगाती है, सभा लगाती है और वहाँ से कोई निर्णय लेती है। तो संविधान एक वह सत्ता है जो सबसे पहले सरकार बनाती है। ठीक है, संविधान ही है जो सबसे पहले सरकार का गठन करती है। तो इससे ये बात पता चला कि हमारा ये इतना ओलझोल हम लोग क्यों कर रहे थे, इससे हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि संविधान का सेकंड काम क्या है। तो संविधान का जो सेकंड काम है वो ये है कि वो सोचता है
संविधान का दूसरा काम यह है कि समाज में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो उसका निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, सरकार निर्मित करने की शक्ति किसके पास होगी, यानी उन सारे व्यक्तियों का, उन सारे संस्थाओं का चयन करता है कि हमारे समाज में सरकार का गठन कौन करेगी, और साथ ही अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय कौन करेगी, ठीक है, और सरकार का निर्माण कैसे करेगी। ये सेकेंड काम है ये संविधान का। संविधान का फर्स्ट काम था कि समाज के बीच कुछ ऐसे बुनियादी नियमों को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे हमारे समाज के लोगों में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे और संविधान के ऊपर उसे भरोसा बना रहे। और सेकेंड काम ये है कि संसद सेकेंड काम ये है संविधान का कि वह यह फैसला करती है कि हमारे समाज में कोई विवाद उत्पन्न होती है तो उसका निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और साथ ही सरकार का गठन करने की शक्ति किसके पास होगी। ये था हमारा संविधान का सेकेंड काम। अब संविधान का थर्ड काम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। अब हम लोग देख लिए कि हमारे समाज में कोई निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है और सरकार का निर्माण करने की शक्ति किसके पास है। अब यहाँ पे बात आई कि संविधान ने सरकार को तो अधिकार दे दिया कि आप है जो से आपकी संविधान ने सारी शक्ति किसको दे दिया, सरकार को दे दिया कि आप जनता के पास जनता के समक्ष ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आई, क्या सरकार गलत नहीं कर सकती है, बिल्कुल गलत कर सकती है। क्या सरकार हर रूल बनाएगी जो अच्छा ही रहेगा, जनता को पसंद ही आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत सारा जनता उसके खिलाफ होगा, हो सकता है देश का सारे नागरिक उसके खिलाफ हो। तो ऐसे कंडीशन में क्या आया, अगला टॉपिक हमारा है कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अब आपको सरकार बना दिया गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेफालतू का कानून लगाएं। जैसे हमें सिर्फ बोला जाएगा, मान लिया कि कोई हिंदू धर्म का सरकार बना, अब वो पूरे इंडिया को ये घोषणा कर रहा है कि देखो हम देश के नागरिकों से ये अपील करते हैं कि हम हिंदू हैं तो इसीलिए सारे देश के जनता को हिंदू धर्म को मानना होगा। अब ये सरकार का तो ये तो मनमानी हो गया। अब सरकार बोलेगा कि देखो हमें संविधान शक्ति दिया है कि देश के सभी नागरिकों को तुम्हें संभालना है तो हम अपने धर्म के आधार पर इसे संभालने की कोशिश करेंगे, और ये मेरा मर्जी है, हम इस देश की सरकार हैं, तुझे हम जो बोलेंगे सुनना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमसे कि कोई भी सरकार कितना हो शक्तिशाली क्यों ना हो, हमें अपने धर्म को पालने से इनकार नहीं कर सकता। हम किस धर्म का चयन करेंगे ये सरकार निर्णय नहीं लेगा, निर्णय हमें लेना है। हमारा देश धर्मनिरपेक्षता, संविधान ही बोलता कि धर्मनिरपेक्षता, यानी हमारे देश में कोई भी धर्म को दर्जा नहीं दिया गया, सभी धर्म है जो एक समान है, सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ये धर्म को, हमारे धर्म को पालने से मना कर रहा है। और इतने ही नहीं, हो सकता है सरकार बोलेगा देखो उजला वस्त्र पहनना मना है क्योंकि उजला वस्त्र सिर्फ सरकार पहनेगा, जनता उजला वस्त्र सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनेगा। तो ये तो मनमानी हो रहा कि ऐसा ड्रेस नहीं पहनो, ये धर्म मत मानो। इतना ही नहीं, ये सॉन्ग मत सुनो, ऐसा संगीत मत सुनो, और ये सिर्फ घोषणा नहीं, ये पूरी पाबंदी लगा रहा कि देखो ऐसा सॉन्ग सुनने वाले के ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा ड्रेस पहनने वाले के ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो ये तो मनमानी हो गया। तो क्या इसके मनमानी को हम लोग मानेंगे? नहीं, ये अपना लिमिट क्रॉस कर रहा है, लिमिट क्रॉस कर रहा है, यानी अपना हद पार कर रहा है। इसका जो काम किया दिया गया था संविधान के द्वारा कि तुझे ये काम करना है, उससे ये बढ़ चढ़ कर अलग तरीके से ये अपनी भूमिका निभा रहा है हमारे देश के नागरिक के समक्ष, जो कि बिल्कुल गलत है, संविधान को ये उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे में सरकार क्या किया कि कुछ लिमिटेशन दिया सरकार को कि देखो तुझे अपनी हद में ही रहकर काम करना होगा। हम लोग कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में कि देखो अपनी औकात में रहकर बात करो, यानी अपनी हद में, आपको जितना शक्ति दिया गया है, जितना काम करने के लिए बोला गया, उसी के अकॉर्डिंग आपको हमारे नागरिकों के समक्ष पावर दिखाना, ना कि फालतू आप सरकार बन गए, आप राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या फिर कोई IAS ऑफिसर है, तो आपको ये बिल्कुल संविधान अधिकार नहीं देता कि आप मनमानी करेंगे, जनता के प्रति उनके क्या बोल सकते हैं, दिल को ठेस पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते।
ठीक है। तो सरकार संविधान का इतना उलझुल हम लोग इसलिए कर रहे हैं संविधान का तीसरा काम के लिए। तो संविधान का तीसरा काम ये है कि वह क्या करता है, वह क्या करता है, संविधान का तीसरा काम क्या है, संविधान का सॉरी दूसरा काम तो हमने देख लिया, संविधान का तीसरा काम देख रहे हैं। संविधान का तीसरा काम ये है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों के समक्ष दिए गए जो भी अधिकार है, यानी दिए गए शक्तियों के आधार पे ही वो नागरिकों के समक्ष अपना प्रस्तुतिकरण करे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं बनाए, और वे सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन न कर सके। यानी सरकार को जो सीमा दिया गया है उसको पार न कर सके, उसको उल्लंघन न कर सके, ये संविधान का तीसरा काम है। तो हमने संविधान का तीन काम देख लिया। पहला काम ये कि संविधान का पहला काम ये है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे बुनियादी नियमों को प्रस्तुत करना जिससे जनता में हमारे समाज के लोगों के बीच एक न्यूनतम समन्वय बना रहे और साथ ही उसे संविधान के ऊपर भरोसा रहे। सेकेंड काम हमारा क्या था कि संविधान यह फैसला करती है कि हमारे समाज में अगर कोई विवाद उत्पन्न होती है तो उसका निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, और हमारे समाज को चलाने के लिए सरकार का गठन कैसे किया जाएगा और सरकार बनेगा कौन, ये निर्णय लेती है। तीसरा काम हमारा संविधान का था क्या कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं यानी हमारे नागरिकों के द्वारा सरकार को वह यह बात बताती है कि तुम अपने नागरिकों के समक्ष ऐसा शक्ति मत लगा देना जो तुम्हें हमने दिया ही नहीं है। यानी कह सकते हैं कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो कानून है उस पर कुछ बाउंडेशन लगाता, सीमा लगाता कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते, ये गलत है, आप किसी को कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं छीन सकते, आप किसी को संगीतमय धुन सुनने की आज़ादी नहीं छीन सकते हैं, आप शोषण कर रहे हैं, तो ऐसा करने से बिल्कुल रोकेगा। और इतने ही नहीं, बेसीमाएं इस तरह से होता है जो एक मौलिक अधिकार होता है जिसका उल्लंघन सरकार को भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप सरकार हैं तो हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करेंगे, छीनने की कोशिश करेंगे। तो ये संविधान का तीसरा काम है। अब एक लास्ट काम बच गया, चौथा काम, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा रहेगा संविधान का चौथा नियम, जो कि लास्ट नियम है। संविधान चार काम करता है, ठीक है, मुख्य रूप से चार काम करता है। चौथा काम हमारा है संविधान की आकांक्षाएं और लक्ष्य। ठीक है, क्या है, समाज की आकांक्षाएं, संविधान नहीं, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ इसे समझते हैं। कहता अधिकतर जो पुराने देश है यानी पुराने संविधानों में द्वारा केवल निर्णयों की शक्ति की जाती है। ठीक है, यानी अधिकतर हम पुराने संविधानों को देखें, अन्य देशों के संविधानों को देखें, तो उसमें यह सिर्फ संविधान का भूमिका होता है कि वह निर्णय लेने की शक्ति, समाज में जो विवाद उत्पन्न होता है निर्णय लेने की शक्ति से ही परिपूर्ण होता है, और मामले में वो अच्छे नहीं होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कुछ पुराने संविधानों की, ये बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपना भारतीय संविधान की बात करें तो हमारा भारतीय जो संविधान है वो एक 20वीं सदी का संविधान है। क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे संविधान का निर्माण किस सदी में हुआ, तो 20वीं सदी में। हमारा भारतीय संविधान 20वीं सदी का सबसे अत्यंत सुंदर संविधान है। अब सुंदर कहने का मतलब है ब्यूटी नहीं, ब्यूटी नहीं, ये ब्राइटनेस और ब्यूटी नहीं, यानी कहने का मतलब है ये एक बहुत अच्छा संविधान था। इसकी ढांचा जो, इसकी जो आधार था यानी बेस था, बहुत मजबूत था, इसको कोई कभी नहीं तोड़ सकता है। ये इसके पास ये सिर्फ निर्णय लेने की ही शक्ति नहीं है, बल्कि समाज में क्या न्यायिक पूर्ण व्यवस्था भी कायम करने की शक्ति इसके पास था, जो बाकी के अन्य देशों के संविधान में ऐसा नहीं था। ठीक है, ये होता था उदाहरण के लिए कि उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम ऐसा समाज बनाए जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। यानी भारत के संविधान का कुछ आकांक्षाएं, आकांक्षा कहने का मतलब होता है क्या, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, यानी एक सोच है
एक हमारा क्या है, एक संकल्प है कि हम भारत में कुछ ऐसा समाज की स्थापना करेंगे जिसमें हम भारत में ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें हमारे समाज के बीच कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं हो, ऐसा ये आकांक्षाएं हैं। ठीक है, तो कहने का इसका मतलब ये हुआ कि ये संविधान का ये सोच रहता है कि हम कुछ क्या सकारात्मक कार्य करने वाले लोक कल्याणकारी सरकार का निर्माण हम कर सके भारत में। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि संविधान का जो चौथा काम ये है, चौथा काम क्या है, ये कहता है क्या कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, और इतने ही नहीं वो न्यायपूर्ण, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। क्या हमने बताया, संविधान का जो चौथा वर्ग है ये वो ये है कि वह सरकार को यह आदेश देता है कि वह नागरिकों के समक्ष क्या करे, नागरिकों के जितने भी आकांक्षाएं यानी जनता का आकांक्षाएं यानी जरूरत, आकांक्षा मतलब क्या होता है, जरूरत, यानी जनता के सारे जरूरतों को पूरा करे और वो एक ऐसा समाज की स्थापना करे जो न्यायपूर्ण हो, यानी समाज में न्याय सभी व्यक्ति को मिल सके। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति उसके साथ अन्याय कर रहा है और वो न्याय के लिए दर दर वो ठोकर खाए, ऐसा नहीं है। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना यहाँ पे करना संविधान का चौथा काम है, जो कि एक बहुत बड़ी काम है। अब इतना ही नहीं, क्या होता है कि न्याय, ये जो क्या बोल रहे थे हम, ये आकांक्षाओं और लक्ष्य, आकांक्षाएं और लक्ष्य है जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है, और सरकार को सकारात्मक कार्य करने की प्रणाली अपनाने के बाद ही हमारे समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो ये था हमारा संविधान क्यों और कैसा का एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन जो आप लोग शायद जानते होंगे। आप लोग इसको मुख्य रूप से मेंस की राइटिंग में लिखने में इसकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, मेंस की राइटिंग में लिखने में आपको ये काफ़ी मदद करेगी। और ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे का टॉपिक आएगा उसमें हम लोग संविधान की ओर कैसे से जुड़े और भी बातें जानेंगे। फिर इसके अगला टॉपिक हमारा मौलिक अधिकार, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सारे टॉपिक के बारे में देखेंगे। और इससे पहले ये जो टॉपिक है इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में अन्य देशों से कौन कौन से तत्वों को जोड़ा गया। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिए, लेकिन वो थोड़ा हायर लेवल का है, हम इस वीडियो में बताएंगे थोड़ा बेसिक से, ताकि आपको मेंस में लिखने में यूजफुल हो सके। तो चलिए बताइए आप लोग कैसा लगा हमारा ये आज का थ्योरी का क्लास। कल का जो वीडियो था इसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम उस वीडियो को आप लोगों के समक्ष नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि वो वीडियो इतने मेहनत से बनाए, आज जिस तरीके से हम भज भज कर रहे उसी तरीके से हमने कल भी मेहनत करके, कुछ लोगों का कहना है कि हम ज़्यादा बोलते हैं, तो अगर आपको भी बोलने की शैली है तो आप भी बोलें। किसी के जुनून को देखकर आप उसके जुनून को तोड़ने की कोशिश ना करें, ऐसा कुछ बात मत बोले कि वो जो आगे वाला जो मेहनत करने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे डीमोटिवेट हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना कि किसी को दिल पे ठेस पहुँचे, किसी को वो बात दिल में जाकर लगे, ऐसा नहीं बोलना। कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा तो उसे और सराहनी देना चाहिए, उसे और जुनून देना चाहिए, सवासी देना नहीं चाहिए कि नहीं आप अच्छे काम कर रहे हो, आप इसी तरीके से मेहनत करते रहो, आगे बढ़ोगे। ठीक है, लेकिन ऐसा लोग हमारे समाज में 99% आज नहीं है, लेकिन 1% जरूर है, और उन्हीं 1% के द्वारा ही आज ये हमारा समाज चल रहा। तो हम लोगों को बिल्कुल क्या करना है, जो अच्छा है उसे अच्छा तो कहना ही है, और साथ ही अच्छे लोगों को सपोर्ट भी करना है। हमारा यही शुरू से ही क्या सिद्धांत है, हमारा ये संकल्पना है कि जो गलत करेगा मेरे साथ उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे, और जो सच्चाई का साथ देगा उसे हम जरूर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे हर मामले में, पढ़ाई से लेकर शिक्षा से लेकर अन्य जो भी समस्याओं का उसमें भी सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, कैसा लगा आज का हमारा क्लास आप लोग बताइए मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक प्रतिदिन किसी न किसी टॉपिक के ऊपर तो वीडियो आ ही जाता है, और किसी न किसी कोई फालतू टॉपिक नहीं होता, आपको सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ये क्या बोल सकते हैं, एजुकेशन से जुड़े इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, कोई टेक्निकल या फिर कोई फालतू न्यूज वगैरह का नहीं, आपको यहाँ पे शिक्षा प्रदान किया जाता है ताकि आप अपने भविष्य को आगे चलकर उज्ज्वल कर सकें।
तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा क्लास, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और फिर हम लोग इसी तरीके का जो क्लास है उसकी सिलसिला को जारी रखेंगे। और आपको पता है कि हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो हम चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका ये फ़र्ज है, मेरा फ़र्ज है आप लोग को शिक्षा प्रदान करना। मेरे अंदर जो भी नॉलेज है उसके द्वारा हम छोटी से छोटी कड़िया जोड़कर एक बहुत बड़ी थ्योरी बनाते हैं, और उसी के ऊपर हम हर दिन कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आते हैं, जिसमें मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो आपका ये कर्तव्य है कि जो मेहनती व्यक्ति है उसको फल देना। आप लोग जनता है, जनता ही किसी का मेहनत का फल देता है, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे आपको ही फ़ायदा होगा। ये चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कोई पैसा खर्च नहीं होता। ऐसे भी तो आप लोग अदर चैनल सब्सक्राइब करते ही हैं, जैसे सॉन्ग का, मूवी का, तो वो तो अपना संगीतमय दुनिया हो गया, इंटरटेनमेंट की दुनिया। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आपका कैरियर बन सके, अपने भविष्य को हम उज्ज्वल कर सकें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें शिक्षा से जुड़े बातें बताई जाती हैं, और ऐसा शिक्षा जो आपको खास तौर पे अन्य चैनलों पे ऐसा प्राप्त नहीं हो सकता है, ये हम नहीं बोल सकते, ये आप लोग ही कमेंट में बताते हैं। और बहुत सारे हमारे दोस्त कमेंट में बताते हैं कि सर आप भगवान हैं, आप ये हैं, आप महान हैं, आप UPSC के लिए बेस्ट टीचर हैं। तो ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होता है और आनंद आता है कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, मेरे इतने लो क्वालिटी के वीडियो को आप लोग इतने हायर बनाते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं कैमरा है, नहीं अच्छे माइक है, नहीं स्टैंड है, हम सिंपली जो मोबाइल होता है मोबाइल फ़ोन से ही अपना वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और आपके पास सेंड करते हैं। तो आपको देखिए HD या PhD कुछ भी नहीं होता, HD आपका मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो अगर आप सीख लेते हैं, नॉलेज आपको हो गया, तो सबसे बड़ा HD है वही है, HD नहीं वो 3D हो गया। HD क्वालिटी सिर्फ होने से नहीं होता, आप शिक्षा का उसका लेवल देखें कि किस क्वालिटी का ये पढ़ाई पढ़ा रहा, कि इससे हम कितना इन्फॉर्मेशन लिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझना चाहिए, और ये आप एक समझदार व्यक्ति है, आप लोग ज़रूर समझते होंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं, बातें तो हमेशा होते ही रहती है और आगे भी होगा, हमारा सिलसिला जारी रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खूब जमकर पढ़ाई करें और अपने मंजिल को पाने में जी जान से जुटे रहें, क्योंकि हमारा भी सोच यही है कि हम अपने साथ साथ हम अपने स्टूडेंटों को भी लक्ष्य को पूरा कर सकें, मेरा यही टारगेट है। इसीलिए पहले का जो मेरा एक चैनल था उसका नाम था टारगेट ऑफ UPSC BPSC ऐसे करके कुछ मेरा चैनल था, लेकिन उसका फिर मैंने चेंज कर दिए, और हम सोचे कि मेरा जो वीडियो होता है वो UPSC से रिलेटेड होता है और BPSC से, यानी कहीं ना कहीं एक IAS बनाने वाली संस्था से जुड़ी होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको हम एक IAS का एकेडमी बना दें, तो इसीलिए हम अपने चैनल का नाम बलराम IAS एकेडमी रख दिया। तो दोस्तों और भी बातें हम आप लोग को अपना पर्सनल जो बात है वो ज़रूर शेयर करेंगे, आप लोग भी शेयर करें, आप लोग भी लाइव के क्लास कभी जुड़े, और बहुत ही जल्द हम लोग लाइव के क्लास भी अटेंड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं, आपका ये भाई बलराम।